Dear students, happy new year to all of you. Today I am going to teach you our next chapter of computer subject. So बच्चों, आज तक हमने chapter 1 से लेकर chapter 4 तक complete किया था. Chapter 1, 2, 3 और 4 जो हमने complete कर दिया है. आज आगे बढ़ते हुए chapter 5 more on computer mouse. चैप्टर 5 जिसका नाम है मोर ऑन कंप्यूटर माउस. जैसे बच्चों, कंप्यूटर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर मतलब फिजिकल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर, ये सारी जानकारी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में और सेकंड स्टैंडर्ड की आगे पहले के लेक्चर्सों में, पहले के चैप्टर्स में देखी. सो हियर मॉडर्न कंप्यूटर माउस, माउस क्या है, हाउ इट वर्क्स, वेयर इट इज यूज्ड, माउस से क्या-क्या टास्क कंप्लीट होते हैं, परफॉर्म होते हैं. जैसे आप सबको पता है, माउस इज अ ड्राइंग डिवाइस, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड माउस इज एन इनपुट डिवाइस. माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप पॉइंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग कर सकते हो. उस कोई भी चीज को पॉइंटिंग करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, क्लिक, डबल क्लिक करने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए माउस इस्तेमाल होता है. ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, डीसिलेक्ट कर सकते हो, माउस से अप एंड डाउन कर सकते हो. माउस बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है. इट इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. यू कैन ड्रैग, यू कैन ड्रॉप, यू कैन सिलेक्ट, यू कैन पेंट एंड यू कैन ड्रो विद द हेल्प ऑफ माउस. कोई पॉइंटिंग डिवाइस हो सकता है, ड्रॉइंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, यू कैन यूज इट फॉर पेंटिंग्स. ठीक है, सिलेक्शन टाइप और सुपरपोज. आप सबने माउस को देखा ही है, ठीक है, कंप्यूटर वाला माउस, ठीक है, नहीं क्या चूहा, ये कंप्यूटर वाला माउस. जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट माउस आते हैं, पहले स्क्रॉलिंग माउस आता था, और फिर ऑप्टिकल माउस आता है, लेजर बीम लाइट वाला, अभी वायरलेस माउस आता है जिसमें बिना वायर से माउस चलता है, काम करता है. सो देखते हुए इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन जैसे हमने ले ली, इफ यू लर्न टू यूज द माउस प्रॉपर्ली इट विल बी इजीियर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. आप कम माउस का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर पर माउस का इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है और मतलब आसान है. आसानी से माउस का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं. एज यू नो दैट माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. जैसे मैंने आपको बोला, माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें आप पॉइंटर आता है जिससे आप पॉइंट कर सकते हैं. पॉइंटिंग डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ अटैच होता है. इट हैज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बोर्ड. इट हैज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर. जो कंप्यूटर के साथ माउस अटैच होता है, इट हेल्प्स टू पॉइंट एंड सिलेक्ट और किसी भी ऑब्जेक्ट को, फाइल, फोल्डर, इमेज, फोटो को पॉइंट्स करना है और उसको सिलेक्ट करना है तो आप माउस के जरिए कर सकते हैं. मॉनिटर के स्क्रीन पर जो भी चीज दिखाई देती है उसको आप सिलेक्ट या पॉइंट आउट कर सकते हैं. You can also use it for playing games or making drawings on the computer. आप गेम खेलने के लिए और ड्राइंग बनाने के लिए कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. यदि आपको कोई ड्राइंग पेंटिंग करना है, डिफरेंट गेम्स खेलनी है जो आपकी इंटरेस्टिंग चीज है ना, सबको बहुत पसंद है, फेवरेट ड्राइंग एंड गेम सबका आपका फेवरेट ही होगा. ठीक है, सो कोई भी गेम खेल रही हो, आपको ड्राइंग पेंटिंग करना हो तो माउस से जरिए आप यहाँ पर इजीली, आसानी से मतलब अच्छी तरह, फास्ट, क्विकली
कर सकते हैं। Why using the mouse? You should place it on a mouse pad आता है, ठीक है, mouse pad जिस पर माउस रखा जाता है, ये माउस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और कोई कॉटन का कपड़े का या जैसे प्लास्टिक टाइप कपड़े का एक माउस पैड आता है जिस पर सरफेस पर माउस रखा जाता है और माउस का इस्तेमाल करते हैं। The mouse pad makes the mouse move better. Mouse pad से जरिए माउस का move fast और easier efficient. You can work far better with the help of mouse pad. यदि आप mouse pad पर माउस को रखते हो तो आप अपना काम थोड़ा तेजी से और far better अच्छे तरीके से कर सकते हो। It also keeps the mouse free from dust. जो माउस को डस्ट से दूर रखेगा, डस्ट कम लगेगा। यदि आपका माउस माउस पैड पर है तो जो नीचे से डस्ट माउस के अंदर घुस जाती है वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा, डस्ट का हार्मफुल होना माउस के लिए कम हो जाएगा। व्हेन यू मूव द माउस इन एनी डायरेक्शन, जब आप माउस को कोई भी डायरेक्शन में कोई भी साइड small area of the computer screen also losing the same direction. Okay. Here we are at mouse pointer. जब माउस आप जो डायरेक्शन में आप माउस के उसी डायरेक्शन में आपका ये एरो भी घूमता दिखाई देगा। ठीक है, so on the computer screen also using the same language. This arrow is called the mouse pointer. इस arrow को क्या बोलते हैं? Mouse pointer. This arrow is also known as mouse pointer. इसको क्या बोलते हैं? Mouse pointer. It shows the movement of the mouse on the board. It shows the movement of the mouse on जो क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ द माउस, जो माउस की मूवमेंट करते हो जो मॉनिटर पर दिखाता है इंप्रेशन करता है उसको, ठीक है। सो ऐसे बच्चों आप माउस की इंट्रोडक्शन देखिए, हाउ माउस वर्क्स, हाउ इट कैप्स ऑन द माउस पैड, बट हाउ इट वर्क्स विद द माउस पॉइंटर। The first computer mouse was invented by Nobles Engelbart. Nobles Engelbart, जिसने 1964 में था, 1964 in the year of 1964. The first computer mouse was developed, invented by the Nobles Engelbart. ठीक है, it was made of wood. तो माउस कैसा बना था? तो जो माउस था वो वुड का बना, ठीक है। सो ऐसे बच्चों माउस का इन्वेंशन हुआ था 1964 में, जो वुडन का बना हुआ था Nobles Engelbart साइंटिस्ट जिसने रिसर्च पर इसका इन्वेंशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस, ठीक है, कौन से तरह के कंप्यूटर माउस आते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस अवेलेबल, दीस आर टू बटन्स, थ्री बटन्स एंड स्क्रोल माउस। मार्केट में टेक्नोलॉजी के तौर पर, जनरेशन के तौर पर, देर आर थ्री कैटेगरीज, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस आर अवेलेबल इन द मार्केट, टू बटन, थ्री बटन एंड स्क्रोल माउस।
ठीक है, टू बटन थ्री बटन एंड फोर कैरेक्टर्स कॉलिंग फंक्शन, टू बटन माउस, टू बटन माउस हैज ओनली लेफ्ट एंड राइट बटन्स, टू बटन माउस में दो बटन होते हैं, वन इज लेफ्ट बटन एंड सेकंड वन इज राइट बटन, सो इट वर्क्स लेफ्ट एंड राइट बटन्स, यू कैन क्लिक इट, यू कैन क्लिक डबल क्लिक सिलेक्ट इट, ठीक है। तो यहां पर टू बटन माउस में दो बटन, फर्स्ट वन इज लेफ्ट बटन, सेकंड वन इज राइट बटन। सेकंड थ्री बटन माउस, इट हैज थ्री बटन्स, लेफ्ट बटन्स, मिडल बटन्स एंड राइट बटन्स, देयर आर थ्री बटन्स आर देयर ऑन थ्री बटन माउस, लेफ्ट बटन, मिडल बटन्स एंड राइट बटन्स। एंड थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप स्क्रॉल माउस, ज्यादातर आज के दिनों में स्क्रॉल माउस इस्तेमाल किया जाता है, सबसे वाइडली यूज पॉपुलर जो माउस है वो स्क्रॉल माउस या स्क्रॉलिंग माउस है। अ स्क्रॉल माउस हैज लेफ्ट एंड राइट बटन्स एंड अ स्क्रॉलिंग इन द मिडल, जैसे कि टू बटन माउस में दो बटन थे लेफ्ट एंड राइट, थ्री बटन माउस में थ्री बटन्स लेफ्ट मिडल एंड राइट। बट यहां देखा जाए तो स्क्रॉल माउस में यहां आपको फर्स्ट लेफ्ट सेकंड इन द मिडल आपको स्क्रॉलिंग दिखाई देगा और उसके बाद राइट बटन्स, तो स्क्रॉलिंग हेल्प टू मूव अप एंड डाउन, द स्क्रॉलिंग से आपके पेज में अप एंड डाउन हो सकते, आपके पेज को आपकी स्क्रीन को आपको स्क्रॉलिंग करना हो खींचना हो तो स्क्रॉल माउस से कर सकते। जैसे ये स्क्रीन है, ये पेज है, उसको आप अप एंड डाउन करना चाहते हो, नीचे ले जाना चाहते हो और आपको ऊपर ले जाना चाहते हो, तो आप अप एंड डाउन करने के लिए ये स्क्रॉलिंग बहुत ही हेल्प। सो देयर आर मेनी थ्री टाइप्स ऑफ माउस बटन्स, थ्री टाइप्स ऑफ माउस, टू बटन माउस, थ्री बटन माउस एंड स्क्रॉलिंग माउस। नाउ दिस स्क्रॉलिंग माउस इज यूज वाइडली, इट इज वेरी वाइडली यूज और पॉपुलर टाइप ऑफ माउस, ठीक है। फिर देखते हैं माउस एक्शन, माउस की डिफरेंट एक्शन होते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं तो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, ठीक है, हर एक चीज एक्शन होती है, ठीक है, हैंड की एक्शन होती है, आई की एक्शन होती है ना, लेग्स की एक्शन होती है, चलना फिरना दौड़ना, ठीक है, वैसे माउस एक डिवाइस है, उसकी भी एक्शन है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, देयर आर मेनी थ्री एक्शंस ऑफ माउस, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर इस लेक्चर में चैप्टर 5 स्टार्ट किया, जिसमें मॉन और कंप्यूटर नाम हमारे चैप्टर का नाम है, माउस क्या है, माउस पे माउस पॉइंटर देखा, माउस के थ्री टाइप्स देखे, टू बटन माउस, थ्री बटन माउस एंड स्क्रॉल माउस, और माउस एक्शन के बारे में जैसे इंट्रोडक्शन ली, जैसे कि सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, दिस थ्री आर द थ्री माउस एक्शंस। आगे इस माउस एक्शन को, हर एक एक्शन को हम डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप ये लेक्चर अच्छी तरह से देख लीजिए, जरूरी चीजों को आप बुक्स में नोट डाउन कर लीजिए और साथ में टेक्स्ट बुक और रफ बुक या फेयर बुक रखना मत।